Hello everyone. Welcome to the today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss about directional terms. Okay. So first important thing is what are directional term? Clear. But before moving forward, I am just requesting you those who have not subscribed the channel, please subscribe the channel as well as press the bell icon. And what are special in our lecture? So in our lecture, first we discuss the theory part and then in the last we discuss five MCQ question in each and every lecture okay so you need to answer all of these question in comment box clear so just look at this what is directional terms and why we are discussing here because directional terms are what like directional terms basically they are useful in various chapters of the anatomy like whenever we discuss the structures of body organs okay so जब दो स्ट्रक्चर अलग अलग जगह होती हैं उस केस में क्या होगा हम एक स्ट्रक्चर को दूसरी स्ट्रक्चर से कितनी दूर है कौन कितनी डायरेक्शनल में कौन कौन सी डायरेक्शन में है ओके मींस यहाँ पर हम दिशा देखते हैं उसकी कि कौन सा ऑर्गन किसके आगे है पीछे है ऊपर है नीचे है क्लियर सो वी आर लुकिंग ऑन द डायरेक्शनल क्लियर सो दीज टर्म्स आर रेगुलरली यूज इन योर बुक द बुक आई सजेस्ट लाइक टोटोरा आई बुक आई सजेस्ट द बुक so these terms are regularly used so if you remember those terms then it is very easy for you to uh, understand the whatever the theory mentioned in the book as well as these terms are very important as far as concern of the competitive examination in most of the competitive examination of medical field pharmacy field as well as paramedical field all these terms are regularly asked by the examiner because examiner want to ask the fundamentals of these if a student don't know the fundamentals then what is the meaning of it okay that's why examiner want to test your fundamentals so

टर्म पर भी क्वेश्चन बनते हैं और उसकी डेफिनेशन पर भी क्वेश्चन बनते हैं तो इसको बहुत ही ध्यान से आप पढ़िएगा अब फर्स्ट टर्म इज सुपीरियर ओके सुपीरियर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुपीरियर टुवर्ड्स द हेड जो कि हेड की तरफ होगी ओके लाइक बॉडी में कोई भी स्ट्रक्चर है तो वो हेड की तरफ है या हम अगर दो स्ट्रक्चर को साथ में ले रहे हैं तो उन दोनों में से कौन सी हेड की तरफ है क्लियर मीन्स ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द हैड एंड द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर अगर हम पर्टिकुलरली इफ आर लुकिंग ऑन पर्टिकुलरली ऑन द स्ट्रक्चर इफ आर लुकिंग ऑन द पर्टिकुलरली ऑन द स्ट्रक्चर अगर सिंगल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उस स्ट्रक्चर में अगर हमें बॉन बोन की बात करूँ लाइक रेडियस और अल्ना तो इसमें कौन सा पार्ट जो है सुपीरियर है कौन सा पार्ट इन्फीरियर है ओके सो अपर पार्ट याद रखिएगा आप द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द अपर पार्ट नाउ लुक एट दिस वॉट इज द एग्जाम्पल हार्ट इज सुपीरियर टू द लीवर हार्ट इज सुपीरियर टू द लीवर तो आपके यहां पर देखिए यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर हार्ट है और यहां पर लीवर है ओके तो लीवर इस पोजिशन पर है ओके एंड हार्ट यहां पर है तो आप समझ सकते हैं कि जो हार्ट है वो अपर साइड में है so, सो यहां क्वेश्चन आप लोगों के कैसे आ सकता है फिलिंग द ब्लैंग में हार्ट इज सुपीरियर टू डैश 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 ओके सो so, यहां इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सुपीरियर क्या है देन जस्ट लुक ऑन द इनफीरियर इंफीरियर इज ऑल्सो नॉन एज अ कॉडल फॉर द हुमन ह्यूमन में इंफीरियर और कॉर्डल का मीनिंग सेम है पहले हम समझते हैं उसके बाद एक और टर्म समझेंगे इंफीरियर मीन अवे फ्रॉम द हेड अवे फ्रॉम द हेड इंफीरियर मीन्स अवे फ्रॉम द हेड हेड से दूर या फिर लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर क्लियर अगर कोई भी स्ट्रक्चर है जैसे कि अगर ये पेन मैं स्टार्ट करता हूं तो यहां पर ये जो मार्कर वाला दिस पॉइंट इज़ एज अ इंफीरियर पार्ट एंड दिस पॉइंट इज नॉन एज अ सुपीरियर पार्ट ओके सो व्हाट इज द एग्जांपल स्टोमक इज इंफीरियर टू लंग्स स्टमक इज इंफीरियर टू द लंग्स ओके सो so, लंग्स जो हैं बिल्कुल हार्ट के पास में ही हैं और लंग्स के जस्ट नीचे की साइड में लोअर साइड में जो है दैट इज वी हैव अ स्टमक ओके सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर स्टमक इज इनफीरियर टू द लंग जस्ट लुक ऑन द एंटीरियर एंटीरियर इज ऑल्सो नॉन एज अ वेंट्रल एंटीरियर इज ऑल्सो नॉन एज अ वेंट्रल नाउ वट इज द मीनिंग ऑफ एंटीरियर नियर टू और एट द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी नियर टू किसी के नियर होगा या फिर फ्रंट साइड में होगा बॉडी के ओके फ्रंट साइड में होगा बॉडी के लाइक like, ये मोबाइल हो गया ओके okay. अगर ये मोबाइल हो गया तो यहां पर ये क्या होगी फ्रंट साइड और ये क्या होगी बैक साइड ओके सो यहां पर ये कौन सा पोर्शन हो गया एंटीरियर पोर्शन हो गया और ये पीछे वाला पोर्शन कैसा हो गया पोस्टीरियर पोर्शन हो गया ओके okay. क्लियर सो एंटीरियर इज ऑल्सो नॉन एज अ वेंट्रल ओके सो वेंट्रल वी आर कॉलिंग इट फॉर ह्यूमन बींग वी आर कॉलिंग इट फॉर ह्यूमन बींग एंटीरियर और वेंट्रल सेम मीनिंग फॉर ह्यूम बट डिफरेंट मीनिंग फॉर एनिमल ह्यूमन एंड फॉर लैग एनिमल्स वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं तो एंटीरियर मतलब क्या हो गया नियर टू और फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी वट इज द एग्जाम्पल ऑफ इट स्टर्नम स्टर्नम इज द एंटीरियर टू द हार्ट स्टेनम इज़ एंटीरियर टू द हार्ट स्टर्नम को और हम क्या बोलते हैं ब्रेस्ट बोन स्टर्नम इज़ ऑल्सो नॉन एज ए ब्रेस्ट बोन सो जो यहाँ पर हमें मिलती है वो क्या हो गई स्टरनम हो गई हमारी ओके एंड स्टेनम इज़ एंटीरियर टू द हार्ट जो हार्ट है हमारा उससे फ्रंट साइड में हार्ट इसके बैक साइड में है और स्टर्नम जो है फ्रंट साइड में ओके okay. तो यहां आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टर्नम इज एंटीरियर टू द हार्ट तो यहां जितने भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा ज्यादा चांसेस हैं तो इसको मिस मत करिएगा आप लोग ओके देन अब यहां पर देखिए वेंट्रल का मतलब फोर लेग एनिमल के लिए क्या है मैं बोल चुका हूं आपको कि ह्यूमन के लिए एंटीरियर और वेंट्रल सेम है बट वेंट्रल का मतलब फोर लेग एनिमल के लिए क्या है फोर लेग एनिमल के लिए ये क्या हो गया बेली साइड हो गया बेली साइड ओके फोर लेग एनिमल के लिए क्या हो गया बेली साइड और हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये इनफीरियर हो गया सिमिलर टू इनफीरियर ओके सिमिलर टू इनफीरियर तो आप इसको याद कैसे रखोगे वी और आई वी आई से आप इसको याद रख, तो या रख सकते हो इनफीरियर या वी बी याद रख सकते हो वी आई से आप इसको Vodafone Idea जो आजकल नया इनका लोगो uh, आया है उससे आप वी से इसको याद रख सकते हो ओके देन मूविंग ऑन पोस्टीरियर पोस्टीरियर ऑल्सो नॉन एज अ डोरसल पोस्टीरियर ऑल्सो नॉन एज अ डोरसल ओके सो यहां भी सेम है पोस्टीरियर और डोरसल का मीनिंग सेम होगा ह्यूमंस के लिए वो मीनिंग क्या है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट नियर टू और एट द बैक बैक ऑफ द बॉडी नियर टू और बैक ऑफ द बॉडी नाउ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इट ईसोफेगस इज पोस्टीरियर टू विंड पाइप ईसोफेगस इज पोस्टीरियर टू विंड पाइप सो अब यहां पर आप देखिए यहां हमारा विंड पाइप है और इसके जस्ट बैक साइड में आपको क्या मिलेगी ईसोफेगस सो ईसोफेगस ईसोफेगस इज पोस्टीरियर टू विंड पाइप ओके सो दिस इज द एग्जाम्पल यह बहुत बार आता है आप लोग पढ़ोगे भी सही अब यहां इसको Uh, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि पोस्टीरियर वेंट्रल होता है या पोस्टीरियर डॉर्सल होता है तो इसको याद रखिए आप पी डी से पी डी से याद रखिए ओके दिस इज अवर ट्रिक और पी डी मीन्स आप जनरली बच्चे बोलते हैं पेनड्राइव को बोलते हैं बच्चे ओके okay, पेनड्राइव को पी डी बोलते हैं बच्चे ओके सो पी डी से आप याद रख सकते हैं और डॉर्सल मीन्स क्या होगा डी को याद रखिए डी और बी याद रखिए डी बी डी बी डॉर्सल मीन्स बैक साइड डॉर्सल मीन्स बैक साइड हो जाएगा ओके okay. और यहां पर क्या कह सकते हैं हम डी डोर्सल और बैक साइड क्लियर सो डी बी दैनिक भास्कर भी हो सकता है ओके okay. तो इस तरह से भी आप लोग या इसको याद रख सकते हो देन मूविंग ऑन मीडियल मीडियल मीन्स नियर टू द मिड लाइन ओके एक पूरी बॉडी जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं अगर यहाँ मेरे बीच में से एक लाइन गुजारी जाए तो वो क्या होगी मिड लाइन ओके वर्टिकल लाइन अगर जो है मिड में से गुजारी जाए दैट इज नॉन एज अ मिड लाइन ओके व्हाट इज द एग्जांपल अल्लाह इज मीडियल टू द रेडियस अल्लाह इज मीडियल मीडियल टू द रेडियस ओके रेडियस अल्लाह हमारे हैंड में होती है ओके क्लियर एवरी तो यहां पर अल्लाह जो है वो मीडियल होती है किसके रेडियस के क्लियर नाउ लेटरल वट इज द एग्जाम्पल ऑफ लेटरल वट इज द मीनिंग ऑफ लेटरल फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन जो मिड लाइन से थोड़ा दूर हो वो क्या होगा लेटरल जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं और यहाँ पर यह पैन रखा है तो ये पैन जो है मार्कर जो है मुझसे क्या हो गया लेटरल हो गया क्लियर तो यहां पर आप देखिए द लंग्स आर लेटरल टू द हार्ट लंग्स आर लेटरल टू द हार्ट ओके लंग्स आर लेटरल टू द हार्ट क्लियर ओके होप फुली आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्या है इप्सिलेटरल यहां पर क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये टर्म बिल्कुल नहीं है आप लोगों के लिए ओके सो ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनादर स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे आप ये इसको इप्सी लेटरल को समझिए कि बहुत सारे ऑर्गन तो पेयर में होते हैं और बहुत सारे ऑर्गन जो हैं हमारे पेयर में नहीं होते हैं तो सेम साइड में ही मिलने वाले लाइक अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो लेफ्ट साइड में जो ऑर्गन आपको मिलेंगे सेम साइड में जो ऑर्गन मिलेंगे वो इप्सी लेटरल हो जाएंगे जैसे एग्जाम्पल आप देखिए क्या होगा गॉल ब्लैडर एंड असेंडिंग कोलॉन आर इप्सी लेटरल गॉल ब्लैडर एंड असेंडिंग कोलॉन आर इप्सी लेटरल ओके क्लियर जैसे कभी कभी ऑपरेशन किया जाता है ऑपरेशन सपोज करो इस हैंड का किया गया अब डॉक्टर को अगर इंजेक्शन लगाना है तो डॉक्टर अपनी नर्स को टर्म में बोलेंगे अगर इसी हैंड में इंजेक्शन लगाना है तो इप्सी लेटरल हैंड हो जाएगा वो ओके और अगर दूसरे हैंड में लगाना है तो वो क्या हो जाएगा कॉन्ट्रा लेटरल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा टर अगर इस हैंड में इंजेक्शन लगाना हो गया तो कॉन्ट्रा लेटर हो गया तो यहां पर सेकेंड जो टर्म है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अनादर लाइक आई है सभी लोगों के दो हैंड ओके हम क्या बोलेंगे कॉन्ट्रा लेटरल हैंड क्लियर तो जिस हैंड में ऑपरेशन हुआ है उसको तो हम बोलेंगे इपसी लेटरल और जिस हैंड में ऑपरेशन नहीं हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे कॉन्ट्रा लेटरल क्लियर वट इज द एक्साम्पल यहां पर आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है असेंडिंग कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ओके okay? पेयर में है सो असेंडिंग कॉलोन एंड डिसेंडिंग कॉलोन आर कॉन्ट्रा लेटरल ओके क्लियर एवरी वन यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा नाउ लुकिंग ऑन द प्रोक्मल प्रोक्सीमल मीन्स नियरर प्रोक्सी मतलब मीन्स नियर नियर टू द ऑरिजिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोक्सीमल मीन्स नियर टू द ऑरिजिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर जैसे कि आपको आपके दो फ्रेंड हैं और दो फ्रेंड में से कोई एक फ्रेंड कॉलेज के पास आ गया है तो वो फ़ोन दूसरा फ्रेंड अगर उसको फ़ोन करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो तो वो क्या बोलेगा मैं बिल्कुल कॉलेज के पास में हूँ ओके तो वो क्या बोलेगा आई एम प्रॉक्सिमल टू द कॉलेज नियर टू कॉलेज, ओके सो नियर टू द ऑरिजिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर जैसे कि वो कॉलेज के अंदर ही है, तो कॉलेज से उसका ओरिजिनेशन हुआ इस, इस तरह से आप इसको ले सकते हो सो वट इज द एग्जाम्पल ह्यूमरस इज प्रोक्मल टू द रेडियस ओके ह्यूमरस इज प्रोक्मल टू द रेडियस ओके ह्यूमरस इस पोर्शन में मिल रही है और रेडियस इस पोर्सन में मिल रही है तो ह्यूमरस इज प्रोक्मल टू द रेडियस ओके क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को डिस्टल फारदर फ्रॉम द ऑरिजिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ओके जो कि दूर हो जो कि क्या हो दूर हो ओके okay? सो so, यहां पर आप देखिए सपोज करिए ये किसी किसी का ऑरिजिनेशन पॉइंट है और अगर कोई स्ट्रक्चर कोई यहां पर मिलता है तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे इट इज डिस्टल इट इज वॉट डिस्टल क्लियर सो वॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ इट फलेंजेस फिंगर बोन्स आर डिस्टल टू द कार्पल फिंगर बोन्स आर डिस्टल टू द कार्पल जैसे कि ये रिस्ट बोन हो गई और ये फिंगर बोन्स हो गई तो ये इससे क्या हो गई दूर हो गई ओके क्लियर यहां पर आप देखिए ये रिस्ट बोन हो गई यहां से मैं इस तरह से घुमा सकता हूं रिस्ट बोन को और ये फैलेंजेस हमारी हो गई क्लियर एवरी तो यहां पर क्या हो गई ये डिस्टल हो गई ओके सो दीज आर द टर्मिनोलॉजी होपफुली आप लोगों को यहां पर ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी देखिए यहां पर कुछ और दूसरी टर्म्स भी वो क्या है लाइक सुपरफिशियल सुपरफिशियल मीन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी सुपरफिशियल हो गया एंड डीप डीप का मतलब हो गया ऑन अवे फ्रॉम द बॉडी बहुत ज्यादा डीप है जैसे हम कुएं को बोलते हैं कुआ होता है जिसमें पानी भरा होता है बहुत गहरा है तो डीप मीन्स बहुत दूर अवे फ्रॉम द बॉडी ये हो जाएगा एक इंटरमीडिएट होता है टर्म सो इंटरमीडिएट मींस दो स्ट्रक्चर के बीच में दो ऑर्गन के बीच की जो जगह है वो इंटरमीडिएट हो जाएगा ओके okay? सो so, यहां पर इंपॉर्टेंस क्या रखता है कहां पर क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में एंटीरियर और वेंट्रल पर क्वेश्चन बनता है पोस्टीरियर डॉर्सल पर क्वेश्चन बनता है इंफीरियर और कॉर्डल पर क्वेश्चन बनता है व्हाट इज कॉर्डल बच्चों को इंफीरियर याद रहता है कॉर्डल बच्चों को याद नहीं रहता है ओके देन इप्सी लेटरल

and d front side of the body question number 2 what is the meaning of term contralateral a on the opposite side of the body from the another structure b on the same side of the body as another structure c lower side of the body and d front side of the body question number 3 what is the meaning of term ventral a at the front of the body b at the back side of the body c lower side of the body and d front side of the body question number 4 what is the meaning of term dorsal ए एट द फ्राइड ऑफ द बॉडी बैक साइड ऑफ द बॉडी सी लोअर साइड ऑफ द बॉडी बॉडी क्वेश्चन टू दंग्स बी हार्ट इज पोस्टीरियर टू दीवर सी लंग्सर इन सो थ्रू विदर इन कमेंट बॉक्स एंड अगर आप लोगों को रियली में लेक्चर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एज़ वेल एज जो अदर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं फार्मा ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर करिए ओके okay? नमस्कार